तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है आलू और मरीचा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरा टॉपिक है आलू और मरीचा, जो कि हर घर में यूज होता है। आलू और मरीचा जो कि सब्जी आलू का बनता है, और उसमें मरीचा जो होता है तिताई का काम करता है, यानी मरीचा उसमें सब्जी बनाने में यूज किया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हूँ, जो कि इस क्वेश्चन में आपको किलोग्राम बेसिक से समझाऊंगा। इतना बेसिक से किलोग्राम समझाऊंगा, आप देखते ही देखते आप इतना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जैसे मानो कोई चमत्कार हो गया हो। आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आलू और मरीचा। आलू और मरीचा क्रमशः 40 रुपये तथा 100 रुपये केजी है। कहने का मतलब है कि आलू और मरीचा जो है 40 रुपये तथा 100 रुपये केजी है। यदि दोनों, यानी आलू भी और मरीचा भी, 200 200 ग्राम लिया जाए तो कुल मूल्य बताइए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आलू और मरीचा कर्मशः, यानी आलू और मरीचा दोनों कर्मशः 40 रुपये तथा 100 रुपये है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आलू जो है वो 40 रुपये केजी है, और मरीचा जो है 100 रुपये केजी है। यानी आलू और मरीचा क्रमशः 40 रुपये तथा 100 रुपये केजी है। इसका कहने का मतलब है कि आलू जो है 40 रुपये किलो है, क्योंकि आलू पहले है तो इसका जो रेट दिया गया है पहले दिया गया है, और मरीचा जो है बाद में है तो इसका जो रेट है बाद में, यानी 100 रुपये केजी है। तो यदि दोनों में से दो 200 ग्राम लिया जाए, यानी 200 ग्राम आलू लिया जाए, 200 ग्राम मरीचा लिया जाए, तो कुल मूल्य हमको बताना है, यानी दोनों का जो मूल्य होगा क्या होगा। हम मार्केट में ऐसे करके खरीदते हैं तो हमको कितना रुपये देना पड़ेगा, यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आलू का जो रेट दिया गया है कितना दिया गया है, 40 रुपया, और मरचा जो है 100 रुपया है। यहाँ पे कर्मशः करके दिया गया है, क्योंकि जो पहले है उसका रेट पहले दिया गया है, और जो और मरचा करके यहाँ पर है, तो यहाँ पर तथा 100 रुपये केजी है, यानी मरचा जो है 100 रुपये केजी है। तो यहाँ पे आलू का जो रेट है 40 रुपये, यहाँ पे केजी है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन 40 रुपये केजी क्या है, यानी आलू जो है 40 रुपये केजी, यानी 1 केजी आलू का दाम हमारे कितना रुपए दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में 40 रुपये दिया गया है 1 केजी आलू का दाम, और यहाँ पे और मरचा का दाम कितना दिया गया है, तो मरचा 1 केजी का दाम यहाँ पर 100 रुपये दिया गया है। हमको निकालना है कि आलू अगर 200 ग्राम लेंगे और मरचा 200 ग्राम लेंगे, तो दोनों का जो मूल्यों का योग होगा कितना रुपए होगा, कितना रुपए हमको दुकानदार को देना होगा, यह हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 केजी का दाम है 40 रुपया, जो कि आलू का दाम है, ये जो है आलू का दाम है, और ये जो है मरीचा का दाम है। तो आलू जो है 1 केजी का दाम 40 रुपया है। तो यहाँ पर हम आलू को निकालेंगे कि 100 ग्राम आलू जो है कितना रुपए में मिलेगा, क्योंकि हमको 200 ग्राम का दाम निकालना है। तो 100 ग्राम का निकाल लेंगे तो 200 ग्राम का दाम अपने आप ही निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 केजी का दाम 40 है, और 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है, आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। और इसका जो रेट है 40 रुपया दिया गया है। हम पहले आलू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम आलू का जो है 100 ग्राम का दाम निकालेंगे, उसके बाद मरचा का 100 ग्राम का दाम निकालेंगे, उसके बाद दोनों का 200 ग्राम का दाम निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे और कुल मूल्य हमारा निकल जाएगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं आंसर देख कर आपको रिप्लाई करूँगा कि आप सही बनाए हैं या गलत। तो यहाँ से हमको 100 ग्राम का दाम निकालना है, तो बहुत ही आसान होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 1 पर 3 जीरो है, अगर 1 जीरो हटा देते हैं तो 100 बच जाएगा।
तो क्या करेंगे कि इधर से एक जीरो हटा देंगे, यानी इधर हो जाएगा 100 ग्राम, तो इधर से भी तो एक जीरो हटाना पड़ेगा, यानी यहाँ 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, अगर इसमें से एक जीरो कम करते हैं तो इसमें से भी एक जीरो कम करना पड़ेगा, या आप कटा भी सकते हैं, बराबर में रहता है तो करता है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 100 ग्राम का दाम यहाँ पर 4 रुपया बच गया। तो 100 ग्राम का दाम 4 रुपये है, हमको पता करना है कि 200 ग्राम, यहाँ पर 200 ग्राम का दाम निकालना है, तो 100 का दुगुना करेंगे तो 200 ग्राम हो जाएगा, तो हमको रेट के भी दुगुना कर देंगे, यानी 4 दुनी के 8 हो जाएगा, यानी 200 ग्राम का दाम जो है हमारा 8 रुपये हो जाएगा। ये क्या है? आलू है। हम सबसे पहले आलू का दाम निकाले हैं 200 ग्राम का। अब हम निकालेंगे कि यहाँ पे जो मरचा है, 1 केजी का दाम 100 रुपया दिया गया है, तो मरचा 200 ग्राम कितना रुपये में मिलेगा? तो चलिए इसी तरह से उसका भी निकालेंगे। तो मरचा का कैसे निकालेंगे? ये जो मरचा दिया गया है इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो मरचा जो है 1 केजी का दाम है 100 रुपया, और 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता रहना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। 1 किलोग्राम यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, सिर्फ किलोग्राम को मैंने ग्राम में चेंज कर दिया है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। तो 1000 ग्राम यानी मरचा जो है 1000 ग्राम का दाम कितना है? 100 रुपये है। तो यहाँ से हमको 100 ग्राम का दाम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर एक जीरो कम कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और इधर बराबर में भी एक जीरो कम कर देंगे तो 10 रुपये हो जाएगा, यानी 100 ग्राम मरचा का जो दाम है 10 रुपया यहाँ पर आ गया। यहाँ से हमको निकालना है 200 ग्राम का दाम, तो 100 का दुगुना करेंगे तो 200 ग्राम, और ये जो 10 रुपये है, ये जो रुपये है इसको भी दुगुना करेंगे तो 10 दुनी के 20 रुपया हो जाएगा। तो 200 ग्राम ये जो मरचा है, मरचा का दाम हो गया 20 रुपया, और जो आलू है 200 ग्राम इसका दाम हो गया 8 रुपया। और क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि आलू और मरचा 40 रुपया तथा 100 रुपये केजी हैं, यदि दोनों 200 ग्राम लिया जाए तो कुल मूल्य बताना है। तो हम तो 200 ग्राम यहाँ पर लिए हैं, तो 200 ग्राम आलू लेंगे तो 8 रुपया देना पड़ेगा, और 200 ग्राम यहाँ पे मरचा लेंगे तो 20 रुपया देना पड़ेगा। अगर दोनों का मूल्यों का योग हमको निकालना हो कि दोनों का मूल्य यानी कितना रुपये टोटल हमको दुकानदार को देना होगा, तो क्या करेंगे? लिखेंगे आलू तथा मरीचा का कुल मूल्य बराबर, यानी 200 ग्राम का दाम जो है हम ऐड कर देंगे, तो आलू का दाम है 8 और मरीचा जो है 20, और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28 रुपया, जो कि यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आलू और मरचा अगर 200 ग्राम लेंगे तो दुकानदार साहब को, सब्जी वाले को जो हो, हमको 28 रुपया यहाँ पर देना पड़ेगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली यूज जो मैथ होता है वही यहाँ पर मैं लाता हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।